गुड मॉर्निंग बच्चों, आप लोग के द्वारा पूछे गए प्रश्नों को बारी बारी से जवाब भेजा जा रहा है। आप ध्यान दें, कुछ क्वेश्चन को आपने पूरा के पूरा पेज भी आउट कर दिए हैं। ऐसा होता है कि टोटल के टोटल आप कोई नहीं बना है। आप बनाइएगा तो जरूर बनेगा, आप नहीं बनाइएगा तब कैसे बनेगा। इसलिए आप ध्यान से नहीं दिए हैं, देखे हैं क्वेश्चन को। अब इस प्रकार से आप पूछ देते हैं एक करके टोटल पेज। ऐसा मत कीजिए, समय लगेगा आपको और हमें भी। देखिए, ब्रज गुणन विधि से, अब ये नहीं दिखा हुआ है कि एक्सरसाइज क्या है, नहीं है, आप जानिए। यहां पर कुछ लिखा हुआ नहीं है, कुछ लिखा हुआ नहीं है, सिर्फ लिखा हुआ है टू का क्वेश्चन में लिखा हुआ विद्यार्थी दो नंबर, और लिखा हुआ है कि ब्रज गुणन विधि से हल करें। देखिए, दो का फोर नंबर में है, टू एक्स बटे ए बाई बटे बी बराबर दो, और x बटे ए माइनस वाई बटे बी बराबर फोर। एक्स वाई का मान ज्ञात करें। तो देखिए, जब भी बटा वाला रहे तो मैंने बताए थे कि एलसीएम ले लीजिएगा, टू एक्स बटे ए प्लस वाई बटे बी बराबर दो लघुत्तम ए बी, तो इसमें गुना होगा इसमें, टू ए एक्स और ई सॉरी टू बी एक्स भी गुना होगा, आई ए वाई आई दो, ये गुना यहां हो जाएगा टू बी एक्स प्लस ए वाई टू ए बी वन समीकरण। अब इसमें चलेंगे, एक्स बटे ए बाई बटे बी बराबर चार लघुत्तम ए बी, बी एक्स आई ए वाई बराबर चार, बी एक्स ए वाई चार ए बी दो। अब देखिए, लुप्तीकरण विधि से चलेंगे तो इसमें दो है, इसमें नहीं है, तो इसमें केवल कर देंगे दो से गुना। यदि इसको चलते हैं तो सेम है, देख रहा है सेम है, तो यदि सेम है तो आप बेहिचक प्लस में ही माइनस में है, यदि प्लस और माइनस में है तो जोड़ देंगे। तो यहां लिखेंगे कि समीकरण एक जोड़ दूसरे, एक में है टू बी एक्स प्लस ए वाई टू ए बी, और ई है बी एक्स माइनस ए वाई बराबर चार ए बी, जोड़ने में कट जाएगा तीन बी एक्स बराबर छह ए बी। तो x का मान निकालना है तो ये तीन और b, तो देखो ये कट गया, ये दो बार में कट गया, तो x बराबर टू ए, एक्स का मान वन में रखने पर तो ये टू बी एक्स प्लस ए वाई बराबर टू ए बी। अब टू बी गुने टू ए प्लस ए वाई टू ए बी, ये आपका रहा चार ए बी प्लस ए वाई टू ए बी, जो हम इधर घटाओ में ए वाई टू ए बी घटा चार ए बी, ए वाई बराबर माइनस में ए बी, भागा पड़ जाएगा बाई बराबर माइनस टू ए बी बटे ए, कट जाएगा बाई बराबर माइनस टू बी और x बराबर टू ए। आंसर
बहुत आसान तरीका से सॉल्यूशन हुआ, आप ध्यान नहीं देते हैं, सिर्फ क्वेश्चन पूछ देते हैं और एक्सरसाइज आप नहीं लिखते हैं, ये बहुत गलत बात है। देखिए हो गया, एक्सरसाइज नहीं लिखा हुआ है, आप लोग को लिखना है, देखना है, इसलिए एक्सरसाइज जरूर लिख दिया करें। देखिए, 2 वर्ष पहले पिता की उम्र, जब भी उम्र वाला क्वेश्चन आए, ये 27 नंबर क्वेश्चन है, 2 वर्ष पहले पिता की उम्र उम्र अपने पुत्र की उम्र की 5 गुनी थी, 2 वर्ष बाद उसकी उम्र पुत्र की उम्र की 3 गुनी थी, 3 गुनी से 8 वर्ष अधिक है होगी, तो इसमें और लिखा होना चाहिए लेकिन बहुत कम है, तो वर्तमान उम्र ज्ञात करें। लिखा हुआ प्रश्न में इतनी है भाई, मुझे दोष मत देना, है ना। तो वर्तमान उम्र ज्ञात करें, तो पिता है, 2 वर्ष पहले पिता की उम्र अपने पुत्र की उम्र की 5 गुनी थी, 2 वर्ष बाद अपनी उसकी उम्र पुत्र की उम्र की 3 गुनी से 8 वर्ष अधिक है, तो पिता है और पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करें, इस न होना चाहिए। तो आइए सॉल्यूशन, माना कि है ने पिता और पुत्र है, माना कि 2 वर्ष पहले पिता की उम्र, माना कि पिता की वर्तमान उम्र बराबर 1 वर्ष है ना, और पुत्र की वर्तमान उम्र बराबर 2 वर्ष, समझ रहा है। 2 वर्ष पहले, 2 वर्ष पहले पिता की उम्र बराबर x माइनस 2, जितना पहले कहेगा उतना घट जाएगा, और 2 वर्ष पहले पुत्र की उम्र बन जाएगा 2 माइनस 2। अब आगे प्रश्न से, देखिए
अब हम लोग प्रश्न से चल रहे हैं, x माइनस टू बाई माइनस टू। अब कह रहा है देखिए, ऐसे भी विद्यार्थी जब भी बड़ा होगा, जितना भी बड़ा होगा, एक वर्ष, दो दिन, चार दिन, एक साल, दो साल, तो वो बड़ा होगा कौन? पिता। और यहां पर तुलना करना है, बराबर करना है, तो जैसे बोला जा रहा है पांच गुना, तो पांच गुना पिता होगा, तो ये पांच गुना आप पुत्र में कर दीजिएगा तो दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग को इक्वेशन यहां से बन जाएगा, पांच वाई पांच दूनी दस, इधर आएगा एक्स माइनस पांच वाई बराबर माइनस दस प्लस दो, एक्स माइनस पांच वाई बराबर, यहां से बोलो माइनस आठ, समीकरण एक। पुनः दोबारा क्या कह रहा है, तो दो वर्ष बाद, तो दो वर्ष बाद पिता की उम्र बाद में जुटेगा, दो वर्ष बाद पिता की उम्र इक्वल टू एक्स प्लस दो वर्ष। ठीक है, और दो वर्ष बाद पुत्र का उम्र हो जाएगा बाई प्लस दो, है ना। अब देखिए, ये हो गए पिताजी और ये होंगे पुत्र जी, तो दो वर्ष बाद उसकी उम्र जो है तीन गुनी और आठ वर्ष अधिक। अब ये तीन गुना भी होता और आठ वर्ष ज्यादा भी होता, तो इसी में तीन से गुना भी कर देंगे और आठ वर्ष जोड़ भी देंगे, है ना। तो एक्स प्लस यहां से टू हो गया, थ्री बाई प्लस छ प्लस आठ हो गया, एक्स घटाओ इधर आएगा थ्री बाई बराबर आठ छो चौदह घटाओ दू, एक्स माइनस थ्री बाई इक्वल टू बारह, समीकरण दो। घटा देंगे समीकरण एक घटाओ दो से, समीकरण एक घटाओ दो से, एक में है एक्स माइनस पांच वाई बराबर माइनस आठ और एक्स माइनस तीन वाई बराबर बारह, ये हो गया। तो ये घट जाएगा, जुट जाएगा, घट जाएगा, कट जाएगा, इसमें ही घटेगा तो माइनस दो बाई आई माइनस बीस, इससे ही कटेगा बाई बराबर बीस बटे दो यानी दस, दिख रहा है। तो ये आ गया बाई का मान। अब यहां से आप एक्स का मान यहां निकाल लेते हैं, ध्यान दीजिएगा कि बाई का मान वन में रखने पर, तो वन आपको आ गया एक्स माइनस पांच वाई बराबर माइनस आठ, गौर कीजिएगा एक्स माइनस पांच गुने दस बराबर माइनस आठ, एक्स पचास माइनस आठ जोड़ में माइनस है तो उधर जीते तो प्लस, तो एक्स बराबर बयालीस, यानी पिता का उम्र कितना आ गया, पिता की उम्र बराबर आप बयालीस वर्ष और पुत्र का आ गया वर्तमान उम्र बराबर ये दस वर्ष, ये आंसर। आप गौर करें क्वेश्चन, बहुत बढ़िया बात है, देख लिया। सॉल्यूशन अपने कीजिए समझ करके बनाने के लिए, जिस उम्र वाला क्वेश्चन मैंने पहले भी बताया था, ग्राफ में भी बताया है ना, देख लिया, मिटा रहे हैं। देखिए, और आप लोग आगे एक ज्योमेट्री का क्वेश्चन है कि सिद्ध करें कि समकोण त्रिभुज होगा, तो विद्यार्थी जी ज्योमेट्री में आप याद कीजिए, जैसे आपने समकोण त्रिभुज का परिभाषा आपने क्या याद किया था, जो भी जानते हो सातवां आठवां नौवां दसवां में, कि जिस त्रिभुज में एक कोण का मान 90 डिग्री हो, है ना, जिस त्रिभुज में एक कोण का मान 90 डिग्री हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो आप दिए गए समीकरण से तीनों कोण निकाल लीजिए और तीनों कोण निकालने पर यदि एक कोण का मान 90 डिग्री आ गया तो सिद्ध हो जाएगा वो समकोण त्रिभुज। आपके बुक से 32 नंबर क्वेश्चन है, यदि त्रिभुज ए बी सी, सी में कोण ए बराबर एक्स डिग्री कॉमा कोण बी बराबर थ्री एक्स डिग्री तथा कोण सी बराबर बाई डिग्री, यदि थ्री वाई माइनस पांच एक्स का मान 30, तो दिखाएं कि
दिखाएं मतलब सिद्ध करें कि यह समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज है। देखिए विद्यार्थी जी कोई दिक्कत नहीं है, पहले आप जानते हैं सॉल्यूशन में यहां मानने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी एक्स वाई के संबंध में देल है, तो मानना कुछ नहीं है। यहां पर हम लोग लिखना है कि हम जानते हैं कि कोण ए कोण बी कोण सी बराबर 180 डिग्री त्रिभुज में, त्रिभुज में, त्रिभुज बोल रहा है प्रश्न में, तो ये आ गया। कोण ए का मान x डिग्री, कोण बी का मान 3x डिग्री और ये y बराबर 180 डिग्री, तो 3x और 1x 4x और ये y बराबर 180 डिग्री। आपको y लग रहा है इसमें पहले, तो आप भी y पहले लिख दीजिए, y प्लस 4x बराबर 180 डिग्री समीकरण 1, और यहां से 3y माइनस 5x और बराबर 30 डिग्री समीकरण 2। कोई दिक्कत नहीं, y पहले हो या x पहले हो कोई दिक्कत नहीं, इसमें गुना कर दो 3, तो बराबर हो जाएगा समीकरण 1 गुने 3 घटा 2 से, तो इसमें 3y प्लस 4 = 12x और 18 = 54, 540 डिग्री, और ये 3y घटाओ 5x बराबर 30 डिग्री, घटा देंगे जोड़ देंगे घटा देंगे काट देंगे, ये जुटेगा तो 17x और ये घटेगा तो 510, x बराबर 510 बटे 17 = 30 डिग्री, तो x का वैल्यू आ गया 30। x का मान 1 में रख दो, x का मान 1 में रखने पर तो 1 आ गया है आपको क्या है विद्यार्थी जी, y प्लस 4x बराबर 180, y प्लस 4 गुने 30 बराबर 180, y प्लस 120 बराबर 180, जोड़ में उधर जाएगा तो घटाओ में घट के आ जाएगा आपको 60 डिग्री, इसलिए कोण a का वैल्यू x, x का वैल्यू 30 डिग्री, कोण b बराबर 3x बराबर 3 गुने 30 बराबर 90 डिग्री और कोण c बराबर y तो y बराबर 60 डिग्री, इसलिए त्रिभुज a b c समकोण है, समकोण है क्योंकि कोण b बराबर 90 डिग्री, यहां लिख सकते हो क्योंकि नहीं होता है जिसमें जिसमें कोण b बराबर 90, इसी को हम लोग समकोण कहते हैं। तो तीनों कोण में एक कोण का मान 90 आना चाहिए, किसी का भी हो, चाहे a का हो चाहे b का हो चाहे c का हो, तीनों में यदि तीनों न्यून कोण आता 90 से कम आता तो सिद्ध हो जाता न्यून कोण त्रिभुज, तीनों में एक कोण आएगा 90 डिग्री तो सिद्ध हो जाएगा समकोण त्रिभुज, तीनों में एक कोण आ जाएगा अधिक कोण तो सिद्ध हो जाएगा अधिक कोण त्रिभुज। तो ये आपने समझ गया होगा इन बातों को, इसमें तो कुछ था ही नहीं, सिर्फ आपको यही पता नहीं था समकोण का मतलब होता क्या। कैसे बात भाई, आपका नाम पता है दादा का नाम भूल जाते हैं, ऐसा क्यों? याद रखिए पीछे वाले बात को भूलिए मत, है ना। चलिए आप लोग के सामने क्वेश्चन आया, देख लिया, सॉल्यूशन को भूलिए नहीं। और देखिए एक बच्चे ने ट्वीट किया है कि सर एक विधि आपने छोड़ दिए हैं और वो है तुलनात्मक विधि, उन्होंने बहुत अच्छे शब्दों में लिखा कि सर आप तुलनात्मक विधि से एक भी क्वेश्चन नहीं बताया। चलिए बहादुर, तुलनात्मक विधि से भी मैं एक का क्वेश्चन बता देता हूं, आप समझिए, बहुत आसान है कोई भी विधि। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर अब 32 के बाद 6 पर आ गए हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं, आप जैसे भी पूछिए। ए बी की मासिक आय
का अनुपात 5:4 है और मासिक खर्च का अनुपात 7:5 है। यदि प्रत्येक की बचत 3,000 रुपया तो प्रति महीना बचत प्रति महीना है तो प्रत्येक की मासिक क्या ज्ञात करें, तो प्रत्येक की मासिक आय ज्ञात करें। देखिए विद्यार्थी कोई दिक्कत नहीं, दो आदमी है दोनों बचाता है 3,000 रुपया, तो आय एक अलग रिलेशन है, खर्च एक अलग रिलेशन है, तो हम लोग को आय के रूप में मानना पड़ेगा। देखिए कैसे, माना कि पहले की आय बराबर 5x और दूसरे की आय बराबर 4x, यहां बाई मत कर दीजिएगा क्योंकि आय जो है एक रिलेशन है, खर्च अलग रिलेशन है, तो खर्च को बाई मानेंगे। अब पहले की खर्च तो देख रहा है 7 बाई के रूप में और दूसरे की खर्च 5y, समझ रहा है, ये आय था दोनों तो एक्स के रूप में, ये खर्च है दोनों। और आप जानते ही सूत्र, व्यवसायिक गणित का सूत्र, कमाओ खाओ बचाओ, यानी आय घटाओ खर्च बराबर बचत, ये सूत्र है कमाओ खाओ बचाओ, कमाओ में खाओ घटाओ तो बचाओ हो जाएगा। तो ये इस पर बैठा दीजिए पहले के लिए, पहले के लिए पहला व्यक्ति के लिए, पहला का आय कितना है तो 5x, खर्चा कितना कर रहा है पहला 7y, बचा रहा है कितना है 3,000, कितना सुंदर हुआ। दूसरे के लिए दूसरा का आय कितना है तो 4x, खर्चा कितना किया 5y, ये भी कितना बचाता है 3,000, समझ गया। अब देखिए यहां से आय ज्ञात करल कह रहा, आय मतलब एक्स खाली निकालना है तो बाई लुप्त कर दो यानी बाई समाप्त कर देंगे, ई इसमें गुना कर दो, ई इसमें गुना कर दो, 5 i 7। यहां लिख दो कि समीकरण 1 में 5 गुने और गुने समीकरण 2 में 7 से, है ना, तो यहां से 25 1 7 5 35y और 5 3 15,000 और 7 4 28 और 7 5 35y बराबर 7 3 21,000, घटाएंगे चिन्ह बदल जाएगा, ये कट जाएगा इसमें घटेगा तो -3x और इधर -6,000 कट गया होगा तो 3x बराबर आ गया 6,000 और x बराबर आ गया 2,000, ठीक है, x बराबर 2,000। अब पहले की आय आपने माना था 5x, तो 5 × 2,000 बराबर 5 × 2 = 10x, 5 × 2 = 10 और 3 0 यानी पहला कमाता है 10,000 रुपया, बचत निकाल कहेगा तो यहीं से निकल जाएगा, क्यों,
क्योंकि कमा रहा है 10,000, बचा रहा है 3,000, तो खर्च है 7,000। बाई निकालने की कोई जरूरत नहीं। दूसरे की आय बराबर 4x, 4 × 2,000 तो ये 8,000, 8,000 रुपया इन्होंने पहला कमा रहा था 10,000 और दूसरा कमा रहा था 8,000, है ना। आदि विद्यार्थी इसमें 3,000 घटा देंगे तो 7,000 खर्चा किया, 5,000 खर्चा किया, क्योंकि दोनों का बचत है 3,000, तो ये बचा रहा है 5,000, ये बचा रहा है 7,000। तो ये रहा है आंसर, केवल आय पूछ रहा था। तो ठीक है, गौर से देखा है आपने, ध्यान से, बहुत सिंपल सा तरीका था। ये सूत्र को याद रखिएगा, आय खर्च बराबर बचत, है ना, कमाओ खाओ और बचाओ। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन आप लोग को है। अब आइए 6 के बाद आप आइए, के बार आ गए 34 में। चलिए हम नंबर देते जा रहे हैं, आप लोग नंबर मिलाते जाइएगा, एक्सरसाइज खोजिएगा 1, 2, 3, 4, 5 जिसमें मिल जाए, 3.1, 3.2, 3.4, 5 जिसमें भी, 1 कमरे की लंबाई, इसकी चौड़ाई, चौड़ाई से 3 मीटर, 3 मीटर अधिक है। यदि इसकी लंबाई 3 मीटर बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 2 मीटर घटा दी जाए तो इसका क्षेत्रफल पूर्ववत रहता है। कमरे की लंबाई चौड़ाई ज्ञात करें, कमरे की लंबाई चौड़ाई ज्ञात करें। ये रहा विद्यार्थी जी, बहुत आसान तरीका है ना, कोई दिक्कत नहीं। मैंने एनसीईआरटी में भी सेम क्वेश्चन ऐसा बताया था, आप ध्यान नहीं देते हो। 1 कमरे की लंबाई, इसकी चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, समझने की कोशिश कीजिए। लंबाई चौड़ाई को मान लीजिए, सॉल्यूशन माना कमरे की लंबाई x, चौड़ाई y, क्षेत्रफल x × y। अब इसके बाद डायरेक्ट लिखना प्रश्न से, ये लंबैया चौड़ैया, 1 कमरे की लंबाई, यहां उंगली, चौड़ाई से 3 मीटर ज्यादा, ये ज्यादा है 3, तो इसमें 3 दे देंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा। देखिए आप इसको चाहते तो x·y = 3, समीकरण 1 आ गया। पुनः देखिए बहुत अच्छा तरीका से, पुनः यदि इसकी लंबाई 3 मीटर बढ़ा दी जाए, लंबैया बढ़ जाओ जुट गया, चौड़ाई 2 मीटर घटा दी जाए, y घटा दी जाए,
तो क्षेत्रफल पूर्ववत रहता है यानी पहले वाला रहता है, तो इसको गुना कर देंगे, तो पूर्ववत पहले वाला कौन है, ये है, ये लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई, तो ये हो गया आपका क्षेत्रफल, दोनों को गुना कर देंगे, पूर्ववत मतलब पहले। अब इसको गुना करो, एक्स गुने वाई एक्स वाई, एक्स गुने माइनस दू एक्स माइनस दू एक्स, माइनस तीन गुने वाई, यहाँ प्लस है सॉरी प्लस तीन वाई और माइनस छ इक्वल टू एक्स वाई, इससे ये कट गया। चलिए ये माइनस दू एक्स तीन वाई बराबर छ। देखिए आप लोग तुलनात्मक विधि से कह रहे थे, तो तुलनात्मक विधि में गौर कीजिएगा, सुनिएगा उस विधि के बारे में, शायद मैं बताया कि नहीं, आप लोग नहीं बोल रहे हैं तो नहीं बताए होंगे, है ना। तो आइए तुलनात्मक विधि का रूल नियम क्या है कि जैसे आपको दो गो समीकरण मिला, मिल गया दो गो समीकरण मिला, तो भले ऐसे तो सब में होता है सर, हाँ ऐसे सब में होता है, चाहे विधि विद्यार्थी ग्राफीय विधि हो, ब्रज गुणन विधि हो, तुलनात्मक विधि हो, प्रतिस्थापन विधि हो, विलोपन विधि हो, कोई भी विधि हो, समीकरण दो गो आना चाहिए और दो चर राशि होना चाहिए, तब आप आराम से बना सकते हैं। अब रह गया तुलनात्मक, तुलना करना है, तो तुलना जैसे हम लोग झगड़ा करते हैं या करवाते हैं या कहीं से देखते हैं या करते देखते हैं, तो यदि एक एक तरफ एक है और एक तरफ दस है तो क्या तुलना, यदि ये तुलना हुआ, एक तरफ मैं बाहुबली का उदाहरण लेता हूं, बाहुबली के पास सैनिकों की संख्या 30,000 और काल भैरव के पास सैनिकों की संख्या 1,00,000, क्या ये तुलना है, नहीं। तो तुलना का मतलब हुआ बराबर होना चाहिए, आपने यहां से x का वैल्यू निकाला हुआ है तो यहां से भी x का वैल्यू निकाल दीजिए और दोनों को बराबर कर दीजिए, यदि यहां से y का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो यहां से भी y वैल्यू निकाल के तुलना कर दीजिए, तो हम लोग को यहां से तो x का वैल्यू निकला हुआ, यहां से x का वैल्यू निकाल लेते हैं, जोड़ में उधर घटाओ में माइनस टू एक्स छ घटाओ थ्री वाई, माइनस में उधर जीते भागा छ घटा थ्री वाई बटे माइनस टू, माइनस को हटाना चाहते तो बदल देंगे थ्री वाई माइनस छ बटे दू, ये समाप्त हो गया क्योंकि आगे आ गया माइनस कॉमन और फिर माइनस से माइनस समाप्त। तो देखिए यहां से एक्स का मान और यहां से भी, तुलना करने पर, तुलना करने पर x सॉरी वहां कितना था वाई प्लस तीन को तुलना करेंगे तीन वाई माइनस छ बटे दू से, क्रॉस मल्टीप्लाई बोलो टू वाई छ तीन वाई माइनस छ, इधर आएगा उधर जाएगा दू वाई माइनस तीन वाई बराबर माइनस छ और ये माइनस छ, तो माइनस वाई बराबर माइनस बारह, कैंसिल बाई का वैल्यू आ गया 12, दिख रहा है बाई का वैल्यू 12। देखिए विद्यार्थी नहीं आ रहा है, है ने, तो बाई वैल्यू आ गया 12, आप देख लीजिए यहां पर बाई बराबर आपको आ गया 12, अब इसलिए एक्स बराबर आप यहां भी मान दे सकते हैं यहां भी दे सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, है ने, एक्स बराबर बाई प्लस तीन तो एक्स बराबर 12 प्लस तीन तो x बराबर 15, यानी लंबाई कमरे की लंबाई 15 मीटर, जगह कम है विद्यार्थी जी माफ कीजिएगा 15 मीटर और ये चौड़ाई 12 मीटर, 3 मीटर कम हुआ ने। तो इस प्रकार से विद्यार्थी तुलनात्मक विधि में होता क्या है कि पहला समीकरण से भी x का मान निकाल लीजिए, दूसरा समीकरण से x का मान निकाल दीजिए और दोनों को बराबर कर दीजिए, समझिए, समझ रहे हैं, यहां यदि आप यहां से y का मान निकालते हैं तो दूसरा समीकरण से भी y का मान निकालिए और उसको तुलना कर दीजिए, ये हो गया तुलनात्मक विधि। अनुपातिक विधि भी होता है, इसको बटे इसको और फिर इसको बटे इसको कर दीजिएगा, यानी बायां पक्ष को बायां पक्ष के साथ भागा दे दीजिए और दाहिना पक्ष को दाहिना पक्ष के साथ भागा दीजिए, हल कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, उसको बोलते अनुपातिक विधि।
समझ रहे बात को। तो ये था आप लोग को, आप नए जानने की कोशिश किया, बहुत बेहतर की बात है ना। यदि आप अनुपातिक विधि भी जानना चाहते हैं तो मैंने जो बताया उसको प्रयोग कीजिएगा, और यदि आपको नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट में लिखिए कि सर अनुपातिक विधि भी बताइए, तो मैं अगले दिन आगे क्वेश्चनों के साथ अनुपातिक विधि भी बताएंगे, तुलनात्मक विधि भी बताएंगे। आप लोग सभी प्रश्नों को, एक एक प्रश्नों को, एक प्रश्न को ग्राफ विधि बना लीजिए, एक प्रश्न को ब्रजगुणन विधि बना लीजिए, एक प्रश्न को तुलनात्मक विधि बना लीजिए, एक प्रश्न को विलोपन विधि बना लीजिए, एक प्रश्न को, मतलब सभी प्रश्नों को एक वो बना करके आप हमें व्हाट्सअप करें, बेहतर होगा, है ना। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर अगले दिन हम लोग मिलते हैं इसी चैनल के साथ। तब तक सभी विद्यार्थियों को चैनल की ओर से जय हिंद। Thank you.